जय श्री राम। मित्रों मित्रों, ये श्री रामचरितमानस के बाल कांड के तुलसीदास जी की दीनता का पार्ट टू है, यानी भाग दो है। मित्रों, यदि आपने भाग वन का अनुसरण नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर उस प्रसंग का आनंद ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे, आप वहां से भी उस वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। भनिति विचित्र सु कवि कृत जो राम नाम बिनु सोह न सोऊ, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहई सुनई बुध ताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जदपि कवित रस एक उनाही, राम प्रताप प्रगट अहिमाही, सोई भरोस मोरि मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूम तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति बदेश वस्तु भली वरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। अब छंद आता है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति, भली हो ही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। पूज्य तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी यानी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। अब दोहा आता है। प्रिय लागे ही अति सब ही मम, भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करहि को, बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पाए विशद अति, गुनद करहिं सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहिं सुनहिं सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारु भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मित्रों, अब चौपाई आती है। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी,
नृप करीट तरनी तन उपाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सो कवि कवित बुद्ध कहें, उपजे ही अनत अनत छवि लहाई। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर्विनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारी विचारू, हो ही कवित मुकुता मनिचारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। अब दोहा आता है, जुगुति वैधि पुनि पोहियई, रामचरित वर ताग। पहिरई सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। अब चौपाई आती है, जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मद छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन यानी लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले कर्म ध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो अपने अवगुण सब कहाऊं, बाणे कथा पार नहीं लहाऊं। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जाने ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुण का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझी विविधि विधि विनती मोरी,
को न कथा सुनी दे खोरी, ऐते ऊपर करी है जी अशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावहुं, मति अनुरूप राम गुण गावहुं, कहां रघुपति के चरित अपारा, कहां मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहूँ तूल केही लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। अब दोहा आता है, सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जासु गुण करही निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। अब चौपाई आती है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान की गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरी देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब नवाज यानी दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियऊ नाम राम पद माथा, मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर
भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अब दोहा आता है, अति अपार जे सरित बर जौन रप सेतु कराहि, चण पिपील कहु परम लघु बिनु श्रम पारहि जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। अब चौपाई आती है, यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और अपने विचार भी व्यक्त करिए। आपके विचारों से मुझे मार्गदर्शन मिलता है। मित्रों, प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं श्री रामचरितमानस का अगला अध्याय लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।